अरे अरे अरे, ये कैसे हो सकता है? मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ यार, मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ। अरे ये गाड़ी कहाँ जा रही है? अबे सीधी हो जा, सीधी हो जा। अबे टेढ़ी मेरे, अरे गिर मत, गिर मत, ये हल्की गाड़ी है मेरी गाड़ी भाई, मत। नहीं। अरे भाई इसकी गाड़ी की हालत मैंने वैसे ही बहुत ज्यादा खराब कर दी है और बहुत ज्यादा लेट भी हो गया हूँ, क्योंकि मैंने हल्क को बोला था मैं यार सिर्फ यार 4 घंटे के लिए उसकी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे काम से जाना था। पर यार पूरे के पूरे 2 दिन हो चुके हैं उसकी गाड़ी में मैं घूमे जा रहा हूँ और मैंने इसकी गाड़ी की हालत भी यार बहुत खराब कर दी है। तो अभी मैं उसको फटाफट से यहाँ पे देने आ चुका हूँ, बस यार हल्क मेरे पे गुस्सा ना करे तो अच्छा है। इसकी यार गाड़ी वैसे तो मैंने ठीक करा दी थी पर उसको पता नहीं चलना चाहिए बिल्कुल भी। और ये क्या, ये हल्क तो बिल्कुल सामने खड़ा है। अरे ये तो सारे सारे एवेंजर्स यहीं पे खड़े। हेलो हेलो एवेंजर्स, कैसे हो? अरे फ्रैंकलिन, तू किससे पूछ के मेरी गाड़ी लेके गया? वो अभी 2 दिन के लिए। अरे हल्क सॉरी सॉरी, मेरी बात तो सुन। नहीं मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा साले, मैंने तेरे को सिर्फ 1 घंटे के लिए गाड़ी दी थी। क्या 1 घंटे के लिए? अरे मैं तो 4 घंटे के लिए गाड़ी लेके गया था। अरे पर तू तो 2 दिन बाद लेके आया। अरे सॉरी ना हल्क यार, मैं थोड़ा यार काम में अटक गया था यार। ये क्या, मेरी गाड़ी पे मुझे स्क्रैच दिख रहा है। अरे नहीं 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 स्क्रैच तो नहीं, अरे गाड़ी बिल्कुल सही है। अरे मैंने बिल्कुल कोई ठोकी वोकी नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी चला के लेके आया और पेट्रोल भी इसमें फुल का फुल है। अच्छा रुक अभी मैं चेक करता हूँ। अरे चेक क्या करना है, मैं तेको बता रहा हूँ ना। अरे नहीं नहीं हल्क चेक करो। अभी आयरन मैन चुप हो जाना यार। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं। अरे मैं तो घर पे गाड़ी खड़ी थी, मैं तो कहीं लेके भी नहीं गया था। अरे क्या, तुमने अभी तो बोला कहीं काम से गए थे, अब तो मैं चेक जरूर करूंगा। अरे हल्क मेरी बात सुने, नहीं नहीं पास मत जा यार। अरे ये मेरी गाड़ी में ऊपर स्क्रैच कैसा आया? कौन सा स्क्रैच, मुझे तो नहीं दिख रहा है। अरे ये झूठ मत बोल। अच्छा ये स्क्रैच, ये तो पहले से ही, बहुत पहले से है ये। रुक अभी मुझे पता चल जाएगा कि मेरी गाड़ी को तूने कुछ किया तो नहीं है। ये ले। अरे ये क्या हो गया, इसका टायर कैसे बाहर आ गया? अबे यार ये क्या हो गया? अरे ये क्या किया तूने, तूने मेरी गाड़ी पूरी खराब कर दी। अबे इसने ये कैसे किया? अरे ये तो मैं अरे कि मेरी गलती नहीं है भाई, एक्सीडेंट हो गया था, मैं यार छत से गिर गया था, फिर यार मैं पहाड़ से गिर के भागो। अबे सॉरी सॉरी हल्क भागो। अरे रुक जा, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। अरे हल्क सॉरी ना प्लीज यार, मेरे को नहीं पता था यार वो पहाड़ से ऐसे गिर जाएगी गाड़ी। तूने झूठ क्यों बोला? अरे मुझे लगा तू मुझे मारेगा। अरे वो तो मैं तेको अभी भी मारूंगा। अरे प्लीज मुझे छोड़ दे यार, मत कर। अबे ये क्या निकाल के बैठ गया, मत मारना। अरे हल्क इसे मत मारो, छोड़ दो इसे, इससे गलती हो गई है। अरे हाँ हाँ मुझसे गलती हो गई, प्लीज छोड़ दे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे ये कौन आया? अरे ये कौन है पीछे? अरे जल्दी जल्दी हल्क देख, कौन है ये? और बच गया बच गया। अरे आयरन मैन देख, नहीं कौन है? अरे ये क्या, ये तो रेड हल्क है। अरे पर ये तो 300 वाला रेड हल्क है। ओए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये ले ओए एवेंजर्स, ये लो। अबे ये रेड हल्क किससे बात कर रहे हैं? अरे मुझे लगता है ये सपने में बात कर रहे हैं। अरे हाँ ये नींद में ही है। अरे भाई ये नींद में एवेंजर्स एवेंजर्स क्यों कर रहा है? ओए एवेंजर्स, इस पूरी दुनिया पे मेरा कब्जा होगा, ये ले टोनी स्टार्क, तू तो मर गया, आजा हल्क तेको भी नहीं छोड़ूंगा। अरे ये तो मुझे मारने की बात कर रहा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे हल्क ये सिर्फ सपने में मार रहा है, हमें असलियत में नहीं मार सकता। और पर ये सपना ऐसा क्यों देख रहा है भाई, ये क्या कर रहा है सपने में, हमें पता कैसे चलेगा? अरे डॉक्टर स्ट्रेंज, क्या तुम्हें हम इसका सपना दिखा सकते हो? उड़ी बाबा, अबे तुमको इनके सपने में लेके चलता हूँ मैं। क्या सपने में लेके चलेगा? अरे हाँ अभी रुको ना, ओम रेम कोल्ड क्रीम आइसक्रीम। ओए डॉक्टर स्ट्रेंज, तू मुझे अपना टाइम स्टोन दे दे, वरना इस पूरे लॉस सेंटोस को मैं खत्म कर दूंगा। जैसे इस समोसे वाले को मारा है वैसे तुम सबको मारूंगा। अरे तू हल्क को बिल्कुल नहीं मार सकता। अरे हाँ तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। ओए ये ले। अरे आयरन मैन ये क्या हो गया, अबे तू इतना छोटा कैसे हो गया? अरे भाई ये रेड हल्क ने क्या कर दिया, अबे आयरन मैन इतना छोटा सा हो गया भाई, देखो तो सर कितना छोटा हो गया। अरे ये क्या कर दिया इसने, अरे मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई वापस से नॉर्मल कर दो। अरे हल्क बता दो इसको, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। अरे रेड हल्क मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ओए तुम मेरी बात मान लो और टाइम स्टोन मुझे दे दो, वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। उड़ी बाबा हमारे पास हल्क है, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। अरे हाँ मैं हूँ इनके साथ, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे सामने पिटती है। ओए अगर मैं पिटती हूँ पर मेरे पास तेरी एक बहुत ही कीमती चीज है, ये देख ये तेरी गाड़ी, वो भी बिल्कुल नई की नई, पूरी अपग्रेडेड। अरे क्या मेरी गाड़ी वापस से बन गई? ओए अगर तूने मुझे कुछ किया तो तेरी गाड़ी पूरी फोड़ दूंगा। अरे डॉक्टर स्ट्रेंज फटाफट से टाइम स्टोन दे दे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। अबे हल्क, अबे तू तो हमारी साइड था ना। उड़े बाबा लगता है हल्क पागल हो गया है। अरे मैं पागल ही हूँ, मेरी गाड़ी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे यार अब क्या करें डॉक्टर स्ट्रेंज, मुझे लगता है तेको ये टाइम स्टोन देना ही पड़ेगा। उड़े बाबा तुम हमें कुछ मत करना, मैं तुम्हें टाइम स्टोन दे देता हूँ। ओम रेम कोल्ड क्रीम आइसक्रीम। ओए
अब मुझे मिल गई शक्तियाँ, अब तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। निकल डॉक्टर स्ट्रेंज, निकल साले पिद्दी हल्क। अरे सॉरी भाई, जाने देना, अब तो तेरे को टाइम स्टोन मिल गया, हमको जाने देना। ओए आयरन मैन, निकल यहाँ से। अरे यार, अरे मुझे छोड़ दो, वैसे इतना छोटा कर दिया और मार इतना रहे हो। ओए ये तेरी गाड़ी भी तोड़ दूंगा। ये ले, ये गई तेरी गाड़ी। अरे आयरन मैन तू फिर से खड़ा हो गया। अरे भाई छोड़ दे भाई, मत मार। ओए फ्रैंकलिन, तू के फालतू की बकवास कर रहा है, बताऊं कि तेरे को अभी। अरे भाई क्या करूं मैं। अरे फ्रैंकलिन, इसको फटाफट से सपने से उठाओ। अरे कैसे उठाऊं? अरे कुछ भी करो, इसको फटाफट से सपने उठाओ वरना ये मारेगा सबको। अरे ठीक है, क्या करूं। अरे इसको पानी फेंको। अरे रुको, मेरे पास एक चीज है, इससे ये उठते भागेगा। ये जल्दी उठ जा भाई, उठ जा, अब ये सबको खत्म कर देगा भाई, जल्दी उठना। अरे सबके सब उठ गए। अरे उठ गया, ये इसको पकड़ो। अरे इसको पकड़ो, इसको मार दो, इसको बिल्कुल भी कुछ भी सोचने मत देना। अबे सारे तू हमको मारेगा, तेरा मुंह देखा है। ओए मेरी शक्तियां कहां चली गई? अबे तेरे सपने में आई थी, देखो शक्तियां इधर, तो देखो शक्तियां भी नहीं मिली थी। साले तू हमको मारेगा और तू मुझे मारेगा। साला बस ये मुझे मारने वाला था, बाकी सारे एवेंजर्स उसने मार ही दिया था। अब मैं तेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, निकल यहां से। साला मुझे मारेगा, इधर कहां है, निकल यहां से। ओए मुझे छोड़ दो। अरे मैंने ये कर दिया, मैं तो सपना देख रहा था। अबे तूने जो भी किया मैं तुझे बिल्कुल भी छोड़ूंगा। साला आया बड़ा हमें मारेगा। चलो गाइस सर, मैंने इसको तो खत्म कर दिया। और हल्क यार तू टेंशन मत ले, तेरी गाड़ी यार मैं वापस से लेके आऊंगा। अरे कैसे लेके आओगे? अरे मैं उसको रिपेयर कराऊंगा, अपग्रेड कराऊंगा और ज्यादा अच्छी बना के लाऊंगा। अरे ठीक है फ्रैंकलिन, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मेरे लिए गाड़ी जरूर लाना। अरे हाँ तू टेंशन मत ले, मैं तेरी गाड़ी जरूर की जरूर लाऊंगा। तो गाइस सर अभी मैं जाने वाला हूँ सीधा इसकी गाड़ी लेके और साइमन के पास, उससे यार इसकी गाड़ी पूरी की पूरी अपग्रेड कराऊंगा और बिल्कुल नई बना दूंगा और पहले से भी बहुत ही तगड़ी बनाऊंगा, क्योंकि यार हल्क हमको वापस से मदद करनी पड़ेगी। इसकी गाड़ी अभी मैं लेके आ चुका सीधा रिपेयर करा के और अब साइमन को करवाने वाला हूँ अपग्रेड। अरे साइमन मेरी बात सुन, फटाफट इस गाड़ी को बहुत ज्यादा तगड़ा कर दे, जितना पैसा लगे कोई बात नहीं। अरे ठीक है फ्रैंकलिन, मैं कर देता हूँ, थोड़ी देर में आ जाना। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ तेरे पास। तो गाइस जब तक हम थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं। A few moments later. तो गाइस यार साइमन का मुझे फोन आया था, उसने बोला था कि गाड़ी मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो मैं आ चुका हूँ। फटाफट से साइमन के शोर पे अपनी लैंडिंग करते हैं। एक सेकंड, ये गाड़ी तो बाहर ही खड़ी है, इसमें फटाफट से लैंडिंग कर ले तो। और एक सेकंड भाई साहब, ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी वाली लग रही है भाई। इसके टायर देखो कितने ज्यादा बड़े कर दिए और ये जो कलर है वो अलग सा ही चमक रहा है भाई सनलाइट में। इसके फटाफट से इसके ऊपर बैठ जाते हैं भाई, कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। फटाफट से कमेंट बताओ कैसी लग रही है हल्क की जो नई गाड़ी जो कि हम उसको देने वाले हैं। पर एक सेकंड, मैं हल्की मदद वैसे कर क्यों रहा हूँ? गाड़ी तो मेरे पास है, तो अगर मैं ये गाड़ी रख लूँ तो भाई इसका इंटीरियर भी इतना तगड़ा है। ये गाड़ी यार मैं सोच रहा हूँ अपने पास ही रख लूँ। गाइस सर आप क्या सोचते हो, ये वाली गाड़ी यार मैं अपने पास ही रख लूंगा, क्योंकि इतनी ज्यादा बढ़िया गाड़ी है, इसको अपने पास रखूंगा तो फुल मजे आ जाएंगे। तो गाइस सर फटाफट से कमेंट में बता दो इस गाड़ी को मैं अपने पास रखूँ कि नहीं। और गाइस सर आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसे लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो। और गाइस सर इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर जरूर फॉलो भी कर लेना। और गाइस सर गाड़ी का जरूर बता देना कि मैं गाड़ी अपने पास रखूं कि हल्क को वापस दे दूं। तो गाइस यार मैं तो आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।